hello everyone welcome back to our channel that is health bar so in this video we are going to discuss about the health assessment so there are basically four methods of health assessment first one is that is inspection or it is also known as the observation second one is that is palpation third one is that is auscultation and the last one is that is percussion so one by one we are going to discuss about these methods so the first method is about the inspection method सो इन इंस्पेक्शन मैथड हमें यह करना है इस इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन मैथड के अंदर वी हैव टू प्लेस द पेशेंट इन अ सुपाइन पोजिशन हम क्या करेंगे पेशेंट को इसके अंदर सुपाइन पोजिशन में प्लेस कर देंगे पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में प्लेस करने के बाद फिर हम क्या करते हैं पेशेंट को हमें हेड से लेकर फुट तक पूरा एग्जामिन करना है सुपाइन पोजीशन में जब पेशेंट है और जब पेशेंट का हम इंस्पेक्शन कर, कर, कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हमें उसको टच नहीं करना सिर्फ हमें उसको विद द हेल्प ऑफ द नेक्ड आई हम उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम हेड टू टो सो दिस इज़ नोन एज दी इंस्पेक्शन मेथड अगर हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की डेट इज़ अबाउट द पेल्पेशन तो पेल्पेशन मेथड हमारे पास क्या है डेट इज़ विद द हेल्प ऑफ द फिंगर पैड्स वी आर गोइंग टू पेल्पेट द पेशेंट पेल्पेशन में हमारे पास दो टाइप्स के पेल्पेशन आ जाते हैं सबसे पहले आता है हमारे पास डेट इज लाइट पेल्पेशन एंड सेकेंड हमारे पास है डीप पेल्पेशन लाइट पेल्पेशन का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ द फिंगर पैड्स वी आर गोइंग टू असेस द टेम्परेचर और सेकेंड इज इफ यू आर गोइंग टू असेस द पल्स ऑफ द पेशेंट देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी लाइट पेल्पेशन ओनली सो लाइट पेल्पेशन से हम लोग सिर्फ लाइट टच दे रहे हैं पेशेंट को बट हम बात करते हैं अगर आपका डीप पेल्पेशन का तो डीप पेल्पेशन में हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट का हमें क्या करना पड़ता है डीपली पेल्पेट करना है फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पेशेंट का एबडामल कैविटी के अंदर एब्नॉर्मल मास को असैस करना है या बैलेट ऑफ किडनी को असैस करना है लीवर के स्ट्रक्चर को आपको फाइंड आउट करना होता है तब हम क्या करते हैं पेशेंट के साथ डीप पेल्पेशन करते हैं तो डीप पेल्पेशन में क्या होता है हमको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना होता है क्योंकि जब पेल्पेशन करते हैं तो स्टैंडिंग या फिर सिटिंग पोजिशन में हम पैल्पेशन नहीं कर सकते हम पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में रखते हैं और उसका हम क्या करेंगे सर्कुलर मोशन में डीपली पैल्पेट करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे जिसके बाद क्या होता है कि हम एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स को या फिर अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ या मास हो रखी होती है एबनॉर्मल कैविटी में या किसी भी एरिया में उसको हम चेक कर सकते हैं डीप पेल्पेशन के अंदर नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड दैट इज़ अबाउट द ऑस्कल्टेशन

उसके बाद हम क्या करेंगे बाउल साउंड को सुन सकते हैं जैसे कि आपको पता होगा जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कनेक्शन को जो ज्वाइन जो करता है उसको हम बोलते हैं सीकम सीकम एक ऐसा पार्ट है जहां से हमारी बॉडी का वेस्ट मटीरियल ट्रेवल करता है किसकी तरफ असेंडिंग को ट्रांसफर्स कोलोन डिसेंडिंग सिगमॉइड एंड एनस से हमारी बॉडी से वो बाहर निकल जाता है तो बाउल मूवमेंट हम किसको बोलेंगे जो वो हमारा वेस्ट मटीरियल है जब मूव करता है ऊपर की तरफ उसमें क्या होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं तो जो मूवमेंट होते हैं वो वेस्ट मटीरियल को ऊपर लेके जाने में हेल्प करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेथोस्कोप हम क्या कर सकते हैं बाउल साउंड को सुन सकते हैं तो बाउल साउंड को जब हम सुनते हैं इन केस अगर बाउल साउंड हमारी बहुत हाइपर एक्टिव हो रही है इसका मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दी दैट इज डायरिया अगर यही बाउल साउंड हमारी बहुत स्लो चल रही है इसका मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दी दैट इज कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ये हमारे पास है थ्री मेथड्स ऑफ दी हेल्थ असेसमेंट अब जो इसके बाद हमारे पास है लास्ट मेथड दैट इज़ अबाउट दी पर्कशन तो हमारे पास दो टाइप्स के पर्कशन होते हैं फर्स्ट वन दैट इज़ डायरेक्ट पर्कशन एंड सेकंड वन इज अबाउट द इनडायरेक्ट पर्कशन पर्कशन हमें करना कैसे ही होता है हमारा जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है उसको हम प्लेस करते हैं पेशेंट के बॉडी के ऊपर मोस्ट कॉमनली जो हम असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दी परकशन मेथड वो हम असाइटिस चेक कर रहे हैं या फिर अगर पेशेंट के पेट में पानी भर गया है वो हमें चेक करना है तो इस मेथड से हम चेक कर

जब हम प्रकर्षन करते हैं तो हमारा कान जो होना चाहिए वो पेशेंट के बिल्कुल पास होना चाहिए अब यहाँ इन इनकेस अगर आप एबडोमिनल को प्रकर्सन कर रहे हो तो यहाँ पे अगर हम पेशेंट की बॉडी के ऊपर टैप कर रहे हैं इसको बोलेंगे हम लोग डेट इज डायरेक्ट पर्कर्शन मीन्स डायरेक्टली वी आर टैपिंग ओवर द पेशेंट बॉडी अगर मैं अपने फिंगर के ऊपर टैप करूंगा तो इसको हम बोलते हैं डेट इज़ इन डायरेक्ट पर्कर्शन मीन्स हम डायरेक्टली अपने फिंगर्स के ऊपर टैप कर रहे हैं तो ये हमारे पास होते हैं दो मैथड्स डैट इज डायरेक्ट पर्कर्शन और इनडायरेक्ट पर्कर्शन सो दीज आर द सिग्निफिकेंट मैथड्स विच वी आर यूजिंग इन केस ऑफ द हेल्थ असेसमेंट द फर्स्ट वन इज दैट इज़ इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन सेकेंड वन इज दैट इज़ योर पेल्पेशन थर्ड वन इज़ दैट इज़ ऑस्कल्टेशन द लास्ट मैथड इज़ नोन एज दर्कशन मैथड ये चार मेथड हमारे पास होते हैं इससे पहले हमारे पास दो मेथड और भी थे पर उनको हम यूज़ नहीं कर रहे हमारे पास थे मैनिपुलेशन और ऑलफिक्शन मेथड लेकिन अब इन मेथड्स को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं हम सिर्फ फोर मेथड ही यूज़ करते हैं हेल्थ असेसमेंट के अंदर सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी टिल देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल हिट द बेल आइकन एंड लाइक आवर चैनल एंड वीडियो ऑल्सो थैंक यू सो मच